हाय एवरीबॉडी आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन इन मशीन लर्निंग ठीक है सो बिफोर नोइंग व्हाट क्रॉस वैलिडेशन इज एक बार देख लेते हैं क्रॉस वैलिडेशन क्यों लगता है सो व्हाट आर द नॉर्मल स्टेप्स इन मशीन लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू गैदर योर डेटा सेट यू प्री प्रोसेस योर डेटा सेट आप फ्यूचर इंजीनियरिंग करते हो यू रिमूव मिसिंग वैलीज यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू विथ डेटा सेट एंड देन यू अपलाई ट्रेन टे स्प्लिट ठीक है आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो एक ट्रेन होता है

ट्रेन टेस्पलिट मीन्स आप जब एक ट्रेन टेस्पलिट करते हो सो वॉट ऑन दिस आपने एक बार ट्रेन टेस्प्लिट किया तो आप सिर्फ एक ही टेस्ट डेटा सेट के ऊपर अपना मॉडल का इवेल्युएशन करते हो नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट इफ द टेस्ट डेटा हैजू मच वेरियंस वेरियंस मतलब um, सपोज क्लास प्रोपोर्शन अलग हो सकता है सपोज आपका एक क्लास uh, दस बार आया हो और दूसरा क्लास एक बार आया हो सो इफ द टेस्ट डेटा हैज हाई वेरियंट देन दिस इवेल्युएशन प्रोसेस माइट नॉट बी फिजिबल सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट वॉट आई मीन सो हियर आई एम एट जुपिटर नोटबुक आई हैव इम्पोर्टेड द आयरिस डेटा सेट फ्रॉम एस्के लर्न ओके आई हैव ऑल्सो इम्पोर्टेड नम्पाई सो हियर आई एम लोडिंग द आयरिस डेटा सेट और मैं x और y बना लेता हूं अपना डेटा सेट इट इज डेटा सेट ऑफ फ्लावर्स जिसमें चार फीचर्स होता है सीपल और, पेटल और, पेटल और यहाँ पे आई हैव वन फिफ्टी रोज ऑफ देम ठीक है आई हाइड दिस आउटपुट और जो हमारा टारगेट है दो क्लासेस एक है सेटोसा वर्जिनिका और वर्सीकलर एंड दे आर लेबल्ड एज जीरो

suppose you have your data set you choose a value for k for example many have a 5 choose here so what you do is divide your data set into five parts five equal parts inco folds both there part so you divide your data set into five folds and then what you do you select one fold as your test data and rest of the folds as your training data and you you train it on a model and see the accuracy score and you do it for every other fold. सो फॉर एवरी अदर फोल्ड यू चूज इट एज टेस्ट डेटा और बाकी जो फोल्ड uh, बचेंगे उनको ट्रेन डेटा मान लिया और फिर मॉडल एंड यू कैट्यूस इज कोड एंड यू डू इट फॉर एवरी फोल्ड राइट सो यू हैव फाइव स्प्लिट्स इट्स अज इफ यू आर डूंगा सो हाउड इन कोड लेट्स आई हैव इम्पोर्टेड के फोल्ड फ्रॉम मॉडल सेलेक्शन ठीक है और मैंने एक रैंडम डेटा सेट uh, बनाया है सो माई डेटा सेट कंटेंट्स फाइव फीचर्स और ये रैंडम है ठीक है एंड आई है टारगेट एज लो जीरो एंड वन और इसका साइज भी फाइव है बिकॉज हमारे डेटा सेट का साइज ट्वेंटी फाइव है सॉरी ट्वेंटी फाइव सो हियर आई विल इम्पोर्ट दैम और इफ़ यू सी एक्स इट लुक्स लाइक दिस ट्वेंटी फाइव रोज है पांच फीचर्स का और वाई में जीरो वन जीरो

what I do is I run a for loop and I split this. ठीक है तो मैंने पूरा data को split मारा and I am getting back the train index and test index. So how many times will this for loop run? जैसा कि हमने PBD में देखा था k equal to five था तो पांच data set बना था like पांच बार we had to train. So this time also since we are applying six हमारा data हमारा for loops छह बार चलेगा और छह बार हम लोग को ट्रेन इंडेक्स और टेस्ट इंडेक्स मिलेगा मतलब है सो so, 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 पहले ट्रेन इंडेक्स पे वी और हमारा टेस्ट डेटा है जीरो थ्रू फोर नेक्स्ट स्प्लिट में हमारा ट्रेन इंडेक्स है जीरो थ्रू फोर नाइन थ्रू 24 और हमारा टेस्ट का डेटा सेट 5 थ्रू 8 है एंड द रेस्ट आर सिमिलर ठीक है नाउ आई यू टू नोटिस दैट एवरी रो इन द डेटा सेट कम्स इन द टेस्टिंग डेटा सेट एट लीस्ट वंस ठीक है नाउ स्टिल दिस डजंट सॉल्व वन प्रॉब्लम व्हाट इफ देयर आर अनइक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ क्लासेस इन द टेस्ट सेट ठीक है एंड टू बी ऑनेस्ट आप के यूज नहीं करते हो कर सकते हो बट दिस इज नॉट वॉट यू वुड डू इन नॉर्मल रियल लाइफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिस एज अ थियोटिकल एक्साम्पल टू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग हाउ हैर बी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स सो वॉट शुड वी डू टू मेक आवर क्लासेस ऑफ इक्वल प्रपोर्शन ठीक है सो हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सो वॉट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग सपोज आपके पास ये डेटा सेट है आपके पास दो क्लासेस है One blue or ek hai yellow. Now, what you do is when you apply train test split, you make sure that your training set contains the same proportion of classes as there was in the data set and so with the testing set. So, training set so in the actual data set you have three to two. Training set may be the proportion is three to two, and testing set may be your proportion is three to two. So, you make sure that this sampling procedure.

और मैं स्कोरिंग फंक्शन पास कर रहा हूं सो कोर्स ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है सो वी आर पासिंग एक्यूरेसी एस आवर स्कोर तो ये क्या करेगा इट विल डिवाइड आवर होल डेटा सेट इन टू टेन पार्ट हर एक पार्ट को इस के एन एन मॉडल पर ट्रेन करेगा और इसका एक्यूरेसी देखेगा ठीक है एंड दिस इज वॉट योर एक्यूरेसी स्कोर आर सो किसी में वन है किसी में पॉइंट नाइन थ्री थ्री है एंड देन आई सॉ मीन ठीक है मैंने इन किसी पे भी रन नहीं किया आई वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर मुझे जानना है कि व्हाट विल बी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर्स फॉर विच आई विल गेट द मीन स्कोर टू बी मैक्सिमम ठीक है सो व्हाट आई डिड व लुक फ्रॉम वन टू ट्वेंटी आई पास कर दिया सो आई विल बी फर्स्ट वन देन टू देन ट्वेंटी uh, होगा लास्ट तक हर बार क्रॉस वैलिडेशन होगा हर बार उसका स्कोर जनरेट होगा एंड आई हैव प्रिंटेड आउट द स्कोर्स डॉट मीन सो लेट्स सी के व्हाट हैपेंस सो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारा एक नेबर है तो द मीन क्रॉस वैलिडेशन स्कोर इज पॉइंट नाइन सिक्स आई गॉट द मैक्सिमम इन थर्टीन विच इज पॉइंट नाइन एट एंड ट्वेंटी सो यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ दीज थ्री as your n numbers parameter because they are leading to the same maximum cross validation accuracy mean cross validation accuracy so this was about uh, a classification problem what about uh, a regression problem it turns out that only your scoring function changes in regression problems everything remains the same so i have this dataset called load Boston which is from sklearn.datasets इसमें बेसिकली यू हैव हाउस प्राइसेस फॉर बोस्टन ठीक है में है है ठीक मैंने बस लोड कर लिया इसको देर आर थर्टीन फीचर्स ठीक है और यहाँ पे हम लोग हम लोग लो के पास फाइव हंड्रेड एंड सिक्स रोज है एंड दिस इज अ डिग्रेशन डेटा सेट सो हमारा टारगेट इज A like uh, numerical column. So this says that this house is worth $24,000. Okay? Let me just hide these. Then what I've done is uh, made a linear regression model, applied a Crosswell score on linear regression, passed the whole data set CV equal to 10, same as if we would do a uh, classification problem. Or if it's coding, me,

एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारते फॉर एग्जाम्पल वी से वी आर दैट हमारा सॉरी आटू स्कोर आ रहा है पॉइंट सेवन थ्री सो अगर हमने एक मारा होता तो वी वुक्ट कि हाँ linear, linear regression अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट वी वु कि अगर दूसरा ट्रेन दूसरा स्प्लिट होता तो उसका वैल्यू क्या होता

अब कुछ और यूज कर लो डिसीजन ट्री रिग्रेसर या फिर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर के नेबर्स रिग्रेसर बहुत कुछ है बट लीनियर रिग्रेशन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस बोस्टन प्राइज एग्रेसर ठीक है आप पॉलिटिकल फीचर्स भी यूज करके कर देख सकते हो दर इज नो प्रॉब्लम बट द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्सप्लेन टू यू दिस क्रॉस ग्रेशन स्कोर नाउ लेट लेटे सी हमारे पास क्या क्या स्कोरिंग फंक्शन है ठीक है सो फॉर दिस वॉट एम गोइंग टू यूज इज फ्रॉम एस्के लर्न डॉट

Formatting. So these are this is the scoring function that we used just now. R2 score accuracy, ROC AUC. You have this mean absolute error, mean squared error, but you will get the negative of them. And now it turns out that there is a very good explanation for this because mean squared error is something that you want to reduce. That's why Scalarn thinks it of a negative value, it uh, represents it as a negative value. Or R2 score, accuracy score, these are some positive values because this is the function which you want to maximize. So, when you run this, you will get a list of all these coding functions that are available and you can apply them here on this coding. Uh, so, that is all about cross validation, that is how you can use cross validation. And thank you for watching.